सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट नेदर गेम्स बैड वॉर, वो भी पहली बार। सो गाइस, हां खेल चुके हैं ऐसे ऑफलाइन बहुत बार कार्तिक के साथ। हां गाइस, तो ये कार्तिक सर ने ऑगस्ट में थोड़ा चलते हैं। गाइस, हम पार्कौर में बहुत प्रो हैं, तो थोड़ा प्रोनेस हमें दिखाते हैं अपने यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर ना बहंगे तरीके से पार्कौर करते हैं, बट गाइस आखिरी में जाके गिर जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे ये दो ब्लॉक्स बहुत गंदे लगते हैं हमको, पहुँचते पहुँचते हार जाते हैं। और कैसे आपको बैड वॉर की और वीडियो चाहिए होगी तो कम से कम 10 लाइक्स कर दीजिएगा इस वीडियो पे, और हो सके तो 5-6 कमेंट हो जाए और अच्छी बात है। तो कैसे 10 लाख के बाद एक और नई बैड वॉर की वीडियो आएगी, वो भी किसी एक सब्सक्राइबर के साथ हो सके तो। किसी को अगर ऐसा खेलना हो तो अपना बैड वॉर का आईडी डीएम कर देना भाई, डीएम नहीं सॉरी कमेंट कर देना। और इसके मैच के लास्ट में जो इतना भयंकर क्लच होता है गाइस, सब यकीन नहीं करेंगे। नहीं सोलो भी ट्रियो मेरे में और रेड के 3 बंदों में गाइस बहुत गंदा ही क्लच होता है। उन लोगों को गाइस फुल डायमंड का आर्मर रहता है और मेरे पे कुछ नहीं रहता, गरीब इंसान। और गाइस इससे मना रहता है कि भाई कुछ बढ़िया लूट दे दो। और पता नहीं गाइस बेड रॉक और समझ सकते हैं पी में बहुत अंतर है, क्योंकि बहुत दिल्ली हम लोग का भी पीसी बिल होने वाला है। तो एक और लाइक इसके लिए, और गाइस थोड़ा थोड़ा सामान परचेस कर लेते हैं लोग से। गाइस नॉकबॉल स्टिक और इस बुल हो गया, तो गाइस मेरे टीममेट अच्छे हैं, कवर अप बहुत बढ़िया कर लेते हैं। और ये ब्रिजिंग कर रहा है, और गाइस हम मिड पे तो आ चुके थे और उसके बाद वहाँ से ग्रीन का बंदा, और ग्रीन के लोग इतना बेकार इंसान थे कि बैट तक कवर नहीं किया था। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस आराम से जा रहे थे हम और रास्ते में वो बंदा आ रहा है, नॉक बॉल स्टिक से उसको 3-4 दिए, फिर बैट तोड़े उसको फटाफट। और फिर से फिर देखिए यहाँ पे इतना भयंकर क्लच होता है। देखिए 1-2-3, अगर कार्तिक भी तब से आ गया था शायद से, हाँ अगर कार्तिक भी आ गया था, अगर मैं ऊपर चढ़ गया था, ऐसे कार्तिक आके मैं किल चुरा लिया था, अगर यहाँ पे मर गया था। हाँ नहीं, मार दिया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फाइनल किल हो गया था। वैसे ग्रीन के 2 बंदे भी बचे थे और रेड बचा, येलो बचा था एक। वैसे कार के सामने से रेड के बंदे और ग्रीन के बंदे रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये रेड इसको गिराया नीचे, हम गिरा दिए इसको 1 हार्ट पे नीचे। उसके बाद यहाँ पे एक और आता, फिर से ऊपर गए और मार दिए एक में, गए मेरे पे हेल्थ नहीं था। और वैसे फिर से ऊपर आए, वापस आए से स्पॉन खरीदे हम, और यहाँ से गए थोड़ा बुल उठा और यहाँ पर सब अभी तक कवरिंग कर रहे थे। और फटाफट सोचा कि हम कैसे मारते हैं, तो अगर कार्तिक पूरा आर्मर खरीद लिया था और हम गरीब थे। और कैसे ये सीखिए, वहाँ पे एक बंदा भी था, उसको जाके हम बहुत भयंकर तरीके से मारते हैं। अब बस दिखते रहिए, यहाँ पे कार्तिक था, तो इस कार्तिक का वॉइस इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, आपको पहले ही पता चल गया होगा। क्योंकि गाइस उससे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्या प्रॉब्लम आ गई थी, वॉइस फटफट कह रही थी, तो इसलिए वॉइस ओवर नहीं आ पाया। तो इस वीडियो को भी आप इन्जॉय कर सकते हैं, कार्तिक वॉइस नहीं ऐसे क्या होता। अगर इस पर 15 लाख आया तो कार्तिक के साथ एक और वीडियो बनाएंगे मल्टीप्लेयर सर्वाइवल। 15 लाख गाइस पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और देखिए हमें गोल गोल रानी खेल लेते हैं मेरे साथ, देखिए गोल गोल रानी खेल लेता उसके बाद में इतना बहंगे दौड़ा दौड़ा के मारे ना। देखिए आप यहाँ पे नॉट मिस्टेक्स को एक पड़ा, फिर इतना एच पे जाकर गिरा, इतना एच पे, और अगर यहाँ पे हम मर जाते हैं। जैसे कार्तिक आगे बता लेते हैं, हमको याद नहीं गए अच्छे से हमको, अगर प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा सबको। और देखिए कार्तिक ऐसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल लेते हैं। देखिए अभी तो मैं पीछे वो लगा हुआ है, मेरे पे 3 हार्ड है बस। हाँ देखिए अचानक से यहाँ आ गया, और हम और कार्तिक से मिलकर जो मारते हैं ना बेचारा, ये सोच रहा हो क्या कर दिए, मैं तो भी 1.5 आता वैसे ऊपर से मारते हैं नॉक बॉल स्टिक से, पता नहीं क्यों लग नहीं रहता। बस यहाँ पे मेरा खानी ख़त्म, वैसे पता नहीं मैं बैड वॉर्स गेम में अपने लैग करने लगा, मेरे वाईफाई पे हक दिया था। वैसे देख सकते हैं यहाँ पे लैग कर रहा वो गंदा, वाईफाई पता नहीं क्यों हक दिया था, पता नहीं क्या हुआ था उसको, समझ ना चढ़ गया होगा। और इसको देखिए कोने में ले जाके मारते हैं नेट के चक्कर में, ख़त्म। इस कार्तिक आगे बताता है पर तब भी कुछ नहीं हो पाता, मार देता है पीछे से आगे। और फिर से हम वो काम करते हैं जो करना था डेली का, सामान परचेसिंग जाते हैं ऐसे, पर इस बार हम खरीदते हैं डायमंड एक्स। और इसके लिए भी एक काम था, पागलों को दम दबा रहे थे बार बार। फिर जब डायमंड का एक्स आने के बाद गए बहुत प्रो हो गए थे हम, क्योंकि इस बैड वॉर्स में डायमंड के स्वॉर्ड के लिए आपको एमएल चाहिए होता है और एक्स के लिए बस गोल्ड। तो गाइस उससे फ़ायदा हम लोग एक्स ही यूज़ ना करें, फ़ायदेमंद ये है। और वैसे अब रेड सी बता था क्योंकि येलो को रेड डिस्टर्ब कर दिया था। और वैसे यहाँ पर हम नीचे गिरते गिरते बचते हैं, बहुत नीचे गिर जाता काम करते मेरा।
उसके ऊपर से कैसे यहाँ का रास्ता सब टेढ़ा भाकुश हो गया था ना, और रेड एक बंदा नीचे गिर के मेरे आँखों के सामने ना भयंकर तरीके से हो गया। पता नहीं देखिए सामने एक रेड का और बंदा है। और कैसे ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो आपको बोरिंग लग रहा तो स्किप भी कर सकते हैं बीच बीच के पार्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मारा था बहुत गंदा, हमको मारने की कोशिश किया हम पर मर गए। देखिए ये लास्ट टाइम में हमको वार्ड में गिरा देता है, बस पता नहीं उसको एक्च नहीं लग रहा था, उसको इतना मार रहा था इतना कूद कूद के उसको डैमेज दे रहे थे, कुछ नहीं हुआ, असर ही नहीं है इसको पता नहीं क्यों। बस यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे और वो भी नीचे गिर गया, हमको मारने के साथ ही नीचे गिर गया कूद गया। और वैसे वहाँ पर रेड देखिए ब्रीजिंग कर रहा है, हम सोच रहे इस जगह हम तबाह कर देंगे, फिर ये ग्लिच बैट बॉल से ये ग्लिच कितना गंदा हमको लगता है आप सोच नहीं सकते हैं भाई। बैट बॉल थोड़ा देख रहे हो कुछ रहम करो इंडियन वालों पर, एशिया का सर्वर ला दो इतना तो रहम कर सकते हो। एशिया का सर्वर कैसा जाएगा तो बहुत मक्खन चलेगा, जैसे अन्य हुआ कप क्राफ्ट चलता है इंडियन सर्वर्स है ऐसे, फ्लैग वॉर ब्लॉक वर्स है ऐसे ब्लॉक वर्स कहते हैं। तो कैसे हम लोग ब्लॉक वर्स का भी वीडियो लाएंगे बहुत जल्द 10 लाख पे हो सके तो। आप लोग सजेशन दीजिए कौन सा गेम खेलने लायक है आप जो कि फिलहाल। मैं कैसे यहाँ पर देखिए आराम से उसे तोड़ देते हैं और अचानक से बंदा आ गया, कैसे लगातार कॉम्बो लगातार कॉम्बो, कैसे यकीन नहीं कैसे लगातार कैसे चढ़ाया कॉम्बो को। कैसे ये पीसी में खेला था ना कुछ गड़बड़ था तो कोई बात नहीं, लास्ट में इसको भी हम लोग बहुत भयंकर मार देते हैं। और कैसे यहाँ पे फिर से वही काम स्पॉन होते जाता तबाह करने, और कैसे मेरे सामने में टीम का बंदा गिर रहा था और लाइट के बंदे देखिए डायमंड आर्मर थे पूरे हम लोग के पास, और हम लोग पास मेरे पास आयरन का आर्मर भी नहीं था, बस इंचांटेड था इंचांट हो गया था। और इस कार्तिक इतना दूसरे सब सामान ले लिया, कैसे देखिए इसको यहाँ पे क्या होता है, मैं सब इतना घुमा घुमा के मारते हैं तब भी लास्ट में हम ही मरते हैं। देखिए इतना घुमा घुमा के इसको मार रहे थे, इसका 7 हेल्थ था तब जाकर मरते हैं। वैसे ही लगे बिना उससे खेल रहे कहते हैं स्पीड कंट्रोल के तभी मार रहे थे भयंकर, वैसे स्पीड कंट्रोल वाले को तो थोड़ा पीसी का लुक देना होता है तो इसलिए। और वह फटाफट फिर से क्या करते हैं स्टोन कैच लेके भी चले जाते हैं, वैसे रास्ते इतना ख़राब हो चुका है ना क्या बताएं आपको। और गए था हम लोग को आर्मर में इंचेंट हो गया था स्वर्ट के साथ, कुछ फ़ायदा नहीं था, मेरे टीममेट सब ऐसे ही मर गए। कार्तिक है हमको बहुत प्रोटेक्ट किया था इस बार, बस कार्तिक लिए 1 लाख हो जाए अगर प्लीज़ बाहर गया इन्हों को दीजिएगा, हम घर में और अपने उसमें रूम में नहीं है सो समझ सकते हैं घर में रूम में क्या अंतर है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 ML आ गया था, तो कहते हम सोच रहे थे जाके एक पोर्शन इनविजिबिलिटी खरीद के ख़त्म कर दे लोगों का काम। और कैसे यहाँ से कार्तिक भी आके परेशान करने लगा, और कैसे अवॉइड करके कर दिया बता रहा था बाद में से रात सामने डेट के बंदे आगे बैठे हुए हैं, और मेरे सामने भी TNT भी फूटा था। और देखिए क्या होता है यहाँ पे कार्तिक जाता है अवॉइड होकर ख़त्म कर देता है तुमको डेट के बंदे को, देखिए 4-4 बंदे से लड़ रहे थे लूट उठा लिया ख़त्म, कैसे 100 हमें दिए थे सो क्या होता है उससे। और कैसे फटाफट अंदर बोले जैसे कुछ सामान ले लें, तो वैसे बस सोच रहे थे हम कि पॉसिबिलिटी लेके ख़त्म कर दे काम होगा, तो फटाफट लॉ लूट लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सब तैयारी हो चुका और कहते यहाँ पर पोर्सों में इनविजिबिलिटी पे फिर देखिए क्या होता है, इनविजिबिलिटी सॉरी गलत निकल गया, उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ से ब्लॉक लगाए जा रहे थे एक बंदा वो देख लेता था वक्त, और कैसे हम बिना हैंड के हैंड को नहीं लेते और कैसे पास का एक हिट भी देके भागे हम, वो सोच रहा होगा क्या किए थे हम। बस 3 मिनट का शायद होता है इसमें और कैसे हनों का बैड डिस्ट्रॉय हो गया, और कैसे उसके बाद ही मुसीबत शुरू होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कैसे यहाँ पर हम मरते मरते बजे थे बहुत भयंकर तरीके से, कैसे इसको पता ही नहीं हम बैठ कर कर रहे हैं कैसे आराम से हम तोड़ते जा रहे हैं कैसे इसके बाद इन लोगों का बैट डिस्ट्रॉय। और इस कार्तिक भी गए थे लास्ट में, कैसे अभी हम और एक और कोई जिंदा था तो कैसे हम और कार्तिक जिंदा थे, इसको देखिए कैसे कैसे मारते हैं हम बहुत भयंकर, कैसे देखिए ये गया सही। और कैसे कार्तिक बताया ये कार्तिक भी मर गया था जब तो बताया कैसे मेरे पर बंदे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे थे ये भी नहीं बताया। फिर हमें आइडिया है कि मीट पर जाके हम एमरल्ड लेकर एक और पर्सन बिल्डिंग खेल लें, पर वैसे पता है क्या हुआ हम डायमंड आर्मर खेल लिए उसके बस गए क्या बताएं क्या रोना आ गया था उनको कि ये हम हार जाएंगे ऐसे ऐसे सोचने लगे थे। फिर बाद में क्या हुआ पूरा मैच ही पलट गया, पूरा ही मैच पलट गया, तो कैसे हम देख रहे थे कोई बंदा नहीं है, कार्तिक मेरे पास ही में था, तो कैसे कार्तिक ब्लॉक कोई भी नहीं है तो हम जाते हैं फटाफट एमरल्ड उठा देते हैं और देखिए यहाँ पर जंप लगाते हैं, कैसे यहाँ पर सर हाँ यहाँ पर जंप लगाते हैं और यहाँ पर देखिए कितने एमरल्ड हैं टोटल 6 एमरल्ड है टोटल, बस मज़ा आ गया था। और कैसे फटाफट बेस पे जाते हैं ग्रीन के नहीं येलो के बेस पे जाते हैं, कैसे येलो के बेस पे कोई नहीं था तो कैसे फटाफट वहाँ पर जाते हैं और देखिए यहाँ बस पार्क करते हैं फिर लास्ट वाले ब्लॉक में नीचे, यही होता है मेरे साथ हमेशा।
और कैसे यहाँ पे जाते हैं फटाफट लोग, एक आर्मा खरीद लिए थे उसके अब अगर इतना लंबा गैप करके स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग की पूछिए मत, कि सब कुछ आ गए थे मेरे पास डायमंड का आर्मर भी, और कैसे बीच में भूल गए थे कि इनको रिकॉर्डिंग करना था, और कैसे रेड के बंदे आके इनको बहुत परेशान किए हैं, इतना ज़्यादा शायद सब परेशान किए कि होना आ गया था। ये बंदा कैसे बहुत भयंकर मार रहा था, बहुत ही भयंकर मार रहा था, स्नाइपिंग कर रहा था, इतना था मेरा स्वैग नहीं है। इसके बाद देखिए कैसे फायर चल लेते हैं, और कैसे क्या करें, बहुत दिक्कत था, गोल्डन टेम्पल खरीदते जा रहे उसके बाद भी खरीदते जा रहे, जब ख़त्म हो गया था इनफ था इतना, उसके बाद कैसे उसको कैसे मारते हैं गोल्डन टेम्पल हाथ में लेके, बस सोचे यहाँ पर एक बार के लिए भागे, फिर कैसे क्या होना था वही जो होता स्किप कर दिए फिर से बहुत बड़ा पार्ट, हाँ गए सॉरी। अगर यहाँ पर देखिए लोग कैसे क्लच करके मारते हैं डायमंड शॉट से, जबकि कैसे एक एप्पल खा लेते हैं, कैसे उन लोग देख लेते हैं उनको, सर ये नहीं देख रहे कैसे, पता नहीं क्या कर रहा था पागल वाला काम, ये है मेरा बैट कवर कर रहा था। और ये देखिए क्या होता है उसके बाद, ये इसको ऐसे से कॉम्बो चढ़ाते हैं ना, लूट ले जाते हैं, यहाँ कोने में इसको लपेट लेते हैं, बहुत मारते हैं ये देख लिया और ख़त्म। ऐसा मेरे मान लो डायमंड एक्स यूज़ कीजिए आप, बहुत अच्छा होता है शॉट से, तो बहुत अच्छा होता है। बस यहाँ पर देखिए एक फायदा कर लिए, और बस यहाँ पर लास्ट की बहुत भयंकर होता है, कैसे सामने से रेड का बंदा आ रहा था, हम डर गए कि मेरे पास कुछ नहीं था, उसके पास बहुत कुछ था, तो एक फायर चार लेते हैं फटाफट, और हमको लगा था फायर चार आने लगा पर मेरे इन्वेंटरी में दो दो पड़े थे। इसके बाद तो कैसे पूरा मैच ही पलट जाता है, इसको एक पड़ा ख़त्म, और कैसे विक्ट्री इसी के साथ बहुत भयंकर वाली हुई। और कैसे कैसे लगा क्लच बताइएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लगी तब तक बाय, और दोस्त लाइक करना मत भूलिएगा, अगले पार्ट के लीजिए बाय।